तो जी दोस्तों, हम लोग अभी निकल चुके हैं। जहाँ पे हमें निकलना था वो भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कहाँ निकल रहा हूँ। और सामने खड़ी है रोड क्रॉस करते ही मेरे मौसा जी की गाड़ी, तो अभी उनकी गाड़ी के पास जा रहा हूँ मैं अभी। मेरे को जीजा जी ने मेरे को वहाँ पीछे ड्रॉप किया, तो बस निकल रहे हैं अब। और घर से ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता मैं पहले, तो निकलते आगे फिर आप लोगों से बात करता हूँ मैं। तो दोस्तों, अपना फर्स्ट पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे अब हो रहा है पेट्रोल फ्यूल। अब यहाँ पे पेट्रोल फुल करवाया जाता गाड़ी में। तो जी, हम लोग अभी आगरा पहुँच चुके हैं। यमुना एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लेने का डिसीजन किया है। और एक सेकंड, ये बाइक वाला भाई आ रहा भगाते हुए, तो ये शोर कर रहा है, वो भी विदाउट साइलेंसर। तो यमुना एक्सप्रेस वे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होती है। अभी हमने एक ब्रेक लिया है वहाँ पर, अभी हम लोग कुछ खा पी रहे हैं, तो मैं भी जाता हूँ आराम से, खाऊंगा पीऊंगा थोड़ी देर। भाई साहब, हालत तो ख़राब हो ही चुकी है, इतनी देर बैठते ही अभी तो और पता नहीं कितनी देर बैठना है। और बस यही एक छोटा सा अपडेट देना था आप लोगों को, तो चलता हूँ मैं अभी। और हमारी दोनों गाड़ियाँ देखो वहाँ पे खड़ी है, ये दोनों गाड़ियाँ अपनी है यहाँ वाली, तो ये दोनों गाड़ी अपनी है। तो अब फटाफट मैं भी खाती हूँ कि आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी हम लोग रुके थे लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और अभी अपनी ये दोनों गाड़ियाँ, एक ये है और एक ये है, दोनों यहाँ पे रुकी हुई हैं। और वहाँ पे अभी हम लोग नाश्ता पानी अपना करके आ चुके हैं, दिन का जो भी खाना पीना होता है हमने कर दिया। ज़्यादा हैवी नहीं किया क्योंकि यार गाड़ी में बैठना है, उस वजह से ज़्यादा हैवी नहीं किया। और अब यहाँ से भी आगे निकलते हैं, इसका फ्यूल ख़त्म हो। अब इस एक्सप्रेस वे को मेरा तो फर्स्ट टाइम है, और आप लोगों में से जिस जिसका सेकंड टाइम या जो जो इस एक्सप्रेस वे आया है या जो इसके आसपास से बोल रहा है, वो प्लीज़ एक बार प्यार सा कमेंट कर देना। और भाई, तुम्हें ऊपर दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, वीडियो प्ले करने से पहले मेरे को यहाँ पे ये दिखा, ये जिसे हम बचपन में कहते हैं रॉकेट, तो अपने यहाँ पर भाई एकदम सनसेट हो चुका है। और पीछे मैंने बहुत अच्छा सनसेट इन्जॉय किया, बट अफसोस मैं टाइम लैप्स नहीं बना पाया क्योंकि गूगल मैप भी ऑन कर रखा था, और फिर देखना भी पड़ता है अभी क्योंकि लखनऊ के सिटी में से हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ पे देखना पड़ गया। तो ब्लॉगिंग करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, बट तुम्हारा भाई कर रहा है। और पीछे से वॉइस ओवर कहीं कहीं दे दूँगा मैं, कहीं कहीं नहीं, बहुत जगह दे दूँगा वॉइस ओवर। तो वैसे तो आगे बढ़ता हूँ मैं, फिर आप लोगों से बात करता हूँ अब। भाई देखो, अब दिख रहा है एकदम क्लियर सॉकेट, मैं जूम करता हूँ जितना हो सकता है, पिक्सल पड़ जाएंगे लेकिन मेरे फ़ोन के। भाई पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का टोल हो रहा, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मैगी खाने के लिए, और यहाँ पे मैगी बनाई जा रही है अभी। तो जी, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे को पूर्वांचल एक्सप्रेस पे यहीं पे, देखो अभी यहीं पे रात हो चुकी है, ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है ना। अगर कुछ अच्छा व्यू दिखता है तो मैं दिखा दूंगा, अगर कैप्चर होता है तो अपने फ़ोन के अंदर, अगर नहीं हुआ तो आप लोग मिस कर दोगे, मेरी शक्ल ही देखना मुश्किल हो रही होगी तो अभी आप लोगों को। तो ठीक है, अभी गाड़ी के अंदर बैठते हैं, फिर आप लोगों से बात करता हूँ मैं आगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
मैं यहाँ पे होटल में रुक गया था अपना, कुछ होटल कुछ ऐसा सा है। ये डबल बेड यहाँ पे और दो रूम पीछे और हैं अपने, और एक सोफा और यहाँ पे पीछे टॉयलेट है। तो ये है छोटा सा एक रूम हमने जो कि ले लिया था रात को, हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, और यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी होटल चेकआउट करने का टाइम आ गया है, 6-7 बज चुके हैं, और मौसी वौसी भी सब तैयार होकर बाहर आ गए हैं। मेरे पास फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आ जाओ, और मैंने अभी कपड़े तो चेंज नहीं किए हैं क्योंकि इनका गीजर ख़राब है, उस चक्कर में नहाया भी नहीं मैं। तो अब चलते हैं सीधा घर पे, फिर नहाऊंगा, फिर आप लोगों से बात करता हूँ मैं। तो ये रोड सामने ही है और ये है अपना होटल। होटल का नाम है, नाम देख तो नहीं रहा, ऊपर बस होटल लिखा हुआ है बड़ा सा, और यहाँ पे पीछे पार्किंग है इनकी खुद की। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, फिर आप लोगों से मैं बात करता हूँ। तो जी मैं अभी इनके पार्किंग में आया, ये रही अपनी एक गाड़ी और दूसरी ये रही। तो इन होटल का नाम है होटल फिश किंग, तो फिश किंग है। तो इसमें एक्वेरियम भी उतना ही बड़ा है, मैंने अभी देखा था, बहुत बड़ा एक्वेरियम, जितना हमारा स्विमिंग पूल होता है उतना बड़ा इन लोगों ने एक्वेरियम बना रखा है। एक वो अंदर है अभी, उसमें फिश तो थी नहीं इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, अगर उधर की साइड जाना वो तो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। तो दोस्तों मैं इस वक्त बिहार में हूँ और मेरा बिहार में आने का मेन पर्पस यही था कि मेरे को एक शादी अटेंड करनी थी। ये मेरे बड़ी मौसी जी की बेटी की शादी है और ये शादी अटेंड करने के बाद मैं दिल्ली के लिए निकल रहा हूँ। यहाँ से सफ़र होता है दिल्ली का स्टार्ट, और मैंने यहाँ से लाइफ में पहली बार लिफ्ट मांगा और अंकल जी ने पहली बार ही में ही मेरे को लिफ्ट दे दिया। तो अब लिफ्ट को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे को एक ऑटो में बैठना था, तो ऑटो की क्लिप भी एंजॉय करो। अब इस ऑटो में सिर्फ अंटिया बैठी थी और अकेला मैं था एक, देखो। सब भूल रहे थे मेरे को स्टेशन पे, अब स्टेशन से ट्रेन पकड़ के सीधा निकलते दिल्ली की ओर। तो जी आज अपन लोग दिल्ली में वापस आ रहे हैं और कुछ खास हुआ नहीं, एक शादी अटेंड करनी थी, आप लोगों को बताया नहीं था मैंने, एक शादी अटेंड करनी थी, शादी अटेंड कर ली। यार अपना कोट है ना यहाँ रखा हुआ है, और भाई ट्रेन की हालत बहुत बुरी है ना, जिसका रिजर्वेशन था वो तो बच गया है ना, और जिसका रिजर्वेशन नहीं था उसकी मैं आप लोगों को कंडीशन दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो भाई आप लोगों ने कंडीशन देख ली होगी, तो अपन यहाँ पे कुछ ये सीट था अपर का, तो यहाँ पे भी अपन लोगों ने मजे लिए खूब रात भर, और खूब सोया भाई मैं क्योंकि बहुत देर से सोया भी नहीं था। तो खैर अब नीचे उतर के स्टेशन पे आप लोगों से मैं मिलूँगा थोड़ी देर में, दिल्ली पहुँचने वाले हम लोग अभी। और तो जी यहाँ से मैंने अपनी आवाज़ को कर दिया है म्यूट और अब मैं कर रहा हूँ यहाँ से वॉइस ओवर। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता है जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।